हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम इंटीग्रेशन का 7th नंबर का पार्ट पढ़ेंगे और हम स्पेशल टाइप के आप इंटीग्रेशन पर चल रहे हैं। अभी आपने प्रीवियस 6 वीडियो देखा होगा, तो पिछला वीडियो आपने देखा हम स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन कर रहे हैं। आज भी हम स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन के नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। जैसा कि हर वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूँ कि अपने हर वीडियो में आपको एक स्पेशल टाइप के एक या दो पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, और उतना आप करते जाइए वो आपको 100% प्रिपेयर हो जाएगा। आज हम लोग करने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और आज मैं सिर्फ इसी एक पैटर्न को लेकर इसके 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में होता क्या है, एक क्वेश्चन लेके ही हम आपको इसको समझाते हैं। देखिए, जैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन को सबसे इंपॉर्टेंट बात है आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि हम इसको कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन है x³ + x + 2 dx। जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले जिसमें न्यूमरेटर में मतलब अंश में जो x का पावर है, अंश में जो x का घात है, वह हर में जो x का घात है उससे बड़ा हो या उसके बराबर हो, बड़ा हो या बराबर हो, बराबर होने में भी यही कंडीशन अप्लाई होगा, तब यहाँ पर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो हम मेथड यूज करेंगे उसको हम कहेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। लंबी भाग की विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब लंबी भाग की विधि। लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब जैसे हम लोअर क्लासेस में डिवीजन करते थे उस तरह से डिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें x³ में x + 2 का डिवीजन करेंगे, जो कि हमारा रफ वर्क होगा। कोई जरूरी नहीं कि उसको आप करके दिखाओ, और आप दिखा भी दो साइड में तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर आपको डिवाइड करते हैं x³ / x + 2। तो x³ को कैंसिल आउट कराने के लिए नेचुरली x² / सब आपको पता है, x² + 2x² दैट इक्वल, इसको माइनस किए तो कैंसिल आउट हो जाएगा और हो जाएगा -2x². अब इसको हमको कैंसिल आउट कराना है तो यहाँ पर माइनस साइन लेंगे, क्योंकि हम माइनस है, 2 चाहिए तो 2, और x का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x² आएगा, -2x², इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -4x। ये जब डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस प्लस, और क्या आएगा 4x। ये डिवीजन तब तक करना है जब तक यहाँ के x का पावर इस x के पावर से कम ना हो जाए, छोटा ना हो जाए, बराबर होने में भी नहीं रोकना है। जैसे भी बराबर हो गया लेकिन और डिवाइड करेंगे अपन, तो प्लस, अब हम डिवाइड करते हैं कितना, 4, तो हो जाएगा 4x + 8। ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये दोनों, और बचेगा क्या, -8। इस तरह से इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से अब हम अपने क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, देखो, देयरफॉर क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x³ में इसको डिवाइड किए तो ये क्या है, टोटल इतना भाग कोसेंट इतना गया है, तो इतना हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, है ना। कोसेंट है x² - 2x + 4, x² - 2x + 4, ये वाला पार्ट हुआ। इसके बाद रिमाइंडर है, माइनस, ये शेषफल है 8/, हमने ये डिवीजन इसे किया है x + 2 से, तो इतना लिखेंगे, ये कंप्लीट भाग गया है इतना, और माइनस शेषफल, शेषफल बटे x + 2, ये हो जाएगा हमारा अब इंटीग्रेशन इसका। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड करने के बाद, लॉन्ग डिवीजन मेथड करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा उसको आप बारी बारी से इंटीग्रेट करोगे, आगे का काम आसान है। देखो, दैट इक्वल, अब हमको सबको अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ x² का सबसे पहले इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x² dx, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 8/x + 2 dx। अब ये काम बहुत आसान हो गया, वो डिवीजन का मेथड मैं इरेज कर रहा हूँ, क्लियर। तो यहाँ से ये आपका रफ वर्क है, और आप चाहो तो इसको आप लिख के रख भी सकते हो साइड में, ये मैं यहाँ से मिटा दिया।
आगे देखिए, अब तो इंटीग्रेशन हो गया, बस आपको डिवीजन करना मेन काम है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, देयरफॉर आई इक्वल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री, ये हो जाएगा माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू इसका होगा, और प्लस ये हो जाएगा फोर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एट, और इसका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी दैट इक्वल, इसको और हम सिंप्लीफाई कर दें तो जो जो कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस यहाँ टू कैंसिल आउट हो रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एट लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो बहुत आसान है लॉन्ग डिवीजन मेथड के, दो तीन और टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। एक छोटा सा वीडियो मैं केवल लॉन्ग डिवीजन मेथड पर बनाया हूँ, इसको बना रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो मैं मेथड आपको एंट्री करने वाला हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पे भी है, देखो स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन में सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एक टाइप का इंटीग्रेशन स्पेशल टाइप का आ जाता है, तो सब तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, आंसर टेली कर लें, एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एट लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सिर्फ इसी पैटर्न के क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, लेकिन इसमें चाह रहा हूं कि मैं दो तीन क्वेश्चन आपको करा दूं थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, ताकि डिवीजन में आपको प्रॉब्लम मत आए। ये इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी डी एक्स, ये आई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर आप देखो, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, मतलब दोनों में x का पावर इक्वल है, इसलिए हमको यहाँ पर डिवीज़न करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर डिवीज़न करते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, देखो किस तरह से डिवीज़न होगा, ये ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी। ये डिवीज़न करने में मिस्टेक नहीं करना, देखो अब हमको a को कैंसिल आउट कराना है यहाँ से, मतलब यहाँ से a चाहिए, यहाँ a चाहिए, तो हम क्या करेंगे a बाई सी, ए अपॉन सी, ए अपॉन सी का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा ए एक्स। इस तरह से अपन करते हैं, ये मेथड तो आपको पता होगा, लोअर क्लासेस में रहता है ये, तो हो जाएगा ए एक्स और प्लस यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए डी अपॉन सी, ये माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा बी माइनस ए डी अपॉन सी। क्लियर, अब यहाँ से x गायब हो गया तो और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x तो यहाँ से है ही नहीं है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा देयरफॉर i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट डिवीजन हुआ a अपॉन सी और माइनस ये हमारा रिमाइंडर है तो b माइनस। इस क्वेश्चन को इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको प्रॉपर डिवीज़न करना आ जाए, और नीचे में हो जाएगा सी एक्स प्लस डी और पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है प्रॉपर उसको डिवाइड करना, उसको भाग देना, यदि आपने डिवीज़न अच्छे से कर लिया तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ये यह डिवीज़न तो आप समझ गए। दैट इक्वल आगे सेपरेट इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन सी डी एक्स माइनस, इसको मैं सॉल्व कर दूं तो यहाँ पर देखो एलसीएम आएगा सी और यह आएगा बी सी, बी सी माइनस ए डी, और इसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया और इंटीग्रेशन आप यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन सी एक्स प्लस डी डी एक्स। ओके, नेक्स्ट पेज में हम इसको इंटीग्रेशन नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। दैट इक्वल ए अपॉन सी कॉन्स्टेंट है, उसको हमने बाहर लिख दिया ए अपॉन सी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो जाएगा एक्स माइनस ये कांस्टेंट है बी सी माइनस ए डी अपॉन सी और इनटू, यहाँ पर देखो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स मतलब सी एक्स प्लस डी एंड कांस्टेंट सी, दिस इज द फाइनल आंसर। ये इंटीग्रेशन हो गया।
क्लियर। तो आसान है ये वाला स्टेप, लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका ये प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए। ओके, देखिए क्या आंसर आता है, ए अपॉन सी एक्स माइनस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी लॉग सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर डिवीजन में मैंने मिस्टेक किया कि आंसर में प्लस दिया हुआ है तो माइनस क्यों लिखा, रिमाइंडर तो प्लस ही आया था ना, रिमाइंडर प्लस में ही आया था, क्यों एक बार चेक करूँ, रिमाइंडर तो प्लस में ही आया था ना, ए एक्स प्लस बी, साइन को धोखे से ध्यान नहीं दे पाया लगता है मैं, ए अपॉन सी तो ए एक्स और प्लस ए सी अपॉन ए डी, ए डी अपॉन सी, तो ये माइनस माइनस ये तो हो जाएगा बी माइनस ए डी अपॉन सी, बी माइनस ए डी अपॉन सी, यहाँ प्लस होगा ना, यहाँ पर कोसेंट, ये मैं गलत लिख लिया था, ये यहाँ सुधार दो, यहाँ पर क्यों होगा है ना, यहाँ पर माइनस क्यों होगा, यहाँ प्लस होगा, रिमाइंडर है तो प्लस होगा, ये प्लस होगा, आंसर में प्लस दिया है, प्लस ही सही है, मैं यहाँ पर धोखे से लिख लिया माइनस। ओके, तो आंसर हो, इसको आप यदि प्रॉपर डिवीजन वगैरह को प्रॉपर ना कर पाए तो बहुत लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, ये तो मैं बहुत इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, इसे दो दो तीन तीन लाइन में बन जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, थोड़ा सा अलग टाइप का, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, थोड़ा सा अपन डिफिकल्ट पैटर्न में चलते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। देखो डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी यहाँ पर भी आपको दिख नहीं रहा है एक्स का पावर, लेकिन यहाँ पर एक्स का पावर टू है और इसको हम एक्सपांड करें, विस्तार करें, तो यहाँ भी एक्स का पावर टू आएगा, तो दोनों पावर इक्वल हैं, तो यही मेथड लगेगा। ठीक है, तो अगले लाइन में इसका विस्तार कर दें हम, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यहाँ एक्स पावर टू, यहाँ भी एक्स पावर टू है, तो यहाँ पर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर रफ वर्क डिवाइड करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये कैंसिल आउट कराएंगे तो वन, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ तो माइनस टू एक्स प्लस वन, माइनस टू एक्स और ये प्लस वन। अब हम इसको डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका पावर टू है, यहाँ इसका पावर वन हो गया, डिवाइड हमको तभी तक करना है जब तक पावर कम हो जाता है, तो दैट इक्वल, अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्लीट डिवीजन हुआ है वन और प्लस रिमाइंडर है माइनस टू एक्स प्लस वन और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये डी एक्स। क्लियर, अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो दैट इक्वल वन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और प्लस ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन डी एक्स। अब यहाँ पर आपको इसको इंटीग्रेशन करने का कितना तरीका हो सकता है, ये पीछे आपने पढ़ा है, ये हो गया पी एक्स प्लस क्यू वाला फॉर्म, पी एक्स प्लस क्यू वाला फॉर्म हो गया, याद आ रहा है आपको पी एक्स प्लस क्यू वाला फॉर्म, पीछे जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बनाया था, है ना, या आप इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट भी करके बना सकते हैं, पीछे पैटर्न से तो आप खुद कर सकते हैं इसको, किस तरीके से कर दूं मैं, पीछे वाले पैटर्न से कर दें, डिवीजन कुछ गड़बड़ कर दिया क्या अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वन क्वेश्चन दिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, डिवीजन में थोड़ा गड़बड़ी कर दिया हम लोगों ने,
इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है। डिवीजन में थोड़ा गड़बड़ी कर दिया, ऐसे आंसर नहीं है, वन को लिखना भूल गया था शायद मैं, क्या ध्यान नहीं दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ना इसका मल्टीप्लाई नहीं किया था, अरे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बस लिख दिया था, प्लस वन नहीं लिख पाया था, तभी तो कंप्लीट आ नहीं रहा है। वन का सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ना भाई, माइनस 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 ये कैंसल आउट होगा, और ये माइनस वन इस प्लस वन के साथ में ये नहीं कर पाया था, यहाँ पर माइनस टू एक्स आएगा ओनली, तभी तो एडजस्टमेंट हो नहीं रहा है इसका, ठीक है ना। इस ध्यान दो, अभी पहले डिवाइड किया था तो ये लिखना भूल गया था, और यहाँ पर मैंने प्लस वन लिख दिया था, इसके साथ में कैंसिल होगा, यहाँ प्लस वन है इसीलिए सेटिंग नहीं हो रहा था। इंटीग्रेशन आप अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, वन और ये है माइनस टू एक्स, तो माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डी एक्स, इस तरह से होगा, ठीक है। ये मिटा दूं मैं डिवीजन, अब अलग अलग इंटीग्रेशन करो, दैट इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस टू को हम बाहर कर दिए तो हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं जो होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, क्लियर। एक्स प्लस वन माइनस वन कर दूं, इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करके मैं सॉल्व करता हूं, दैट इक्वल ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस टू। थोड़ा यहां पर ध्यान देना, अब यहां पर आपके पास दो तरीके थे, एक तो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन इसका डिफ्रेंशिएट करो जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था, और यहां पर मैं दूसरा मेथड यूज कर रहा हूं, पीछे के पैटर्न में आ गया है, क्वेश्चन याद आ रहा है ना, ये जो पोर्शन है वह प्रीवियस पैटर्न पे आ गया है, लेकिन चूंकि यहां पर इसका होल स्क्वायर था तो इसको मैं यहां पर दूसरे तरीके से एडजस्टमेंट करके बना रहा हूं, दो तरीका आप समझ जाओगे, यहां पर यहां ध्यान रखना, पहले तरीके से भी आप कर सकते हो। तो माइनस टू और इंटीग्रेशन आप इसको मैं लिख रहा हूं x प्लस वन एडजस्टमेंट है माइनस वन अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये एडजस्टमेंट तरीका है क्योंकि हो जा रहा है यहाँ पर, कोई जरूरी नहीं कि हर जगह हो जाए, ये इसलिए मेथड से आपको कर लेना। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स टू, अब क्या करो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, इसको साथ इसको डिवाइड करूंगा तो वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स आएगा, क्यों, क्योंकि x प्लस वन एक x प्लस वन के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा वन अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, क्लियर। दैट इक्वल अब इसका इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, एक्स होगा माइनस टू, ये होगा लॉग x प्लस वन, और माइनस इसको ही मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना, यदि मैं x प्लस वन को t सपोज कर लूँ तो यह हो जाएगा टी स्क्वायर, और उसका डिफरेंट टी एक्स डी टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं करके ही बता देता हूँ आपको, x प्लस वन को हमने t सपोज कर लिया तो डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ये सपोज करने के बाद, दैट इक्वल x माइनस टू लॉग x प्लस वन, और माइनस यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको मैं सब्स्टिट्यूशन को अलग से घेर दिया हूँ ना, मिक्सअप हो जाएगा अदरवाइज, ये टी का पावर ऊपर जाएगा तो माइनस टू, और माइनस टू प्लस वन अपन माइनस टू प्लस वन, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा वन अपॉन टी, टी का पावर माइनस वन, इतना तो कर सकते हैं आप। दैट इक्वल एक्स माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन टी का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन, वैसे मैं उसको डायरेक्ट लिखने वाला था लेकिन एक बार मैंने इंटीग्रेशन करके आपको बता दिया ये। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है इसको एक्सपांड करना, इसको और उसके बाद डिवाइड करना, क्लियर। क्या आंसर आता है देखो, एक्स माइनस टू लॉग एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस वन माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। अच्छा, जो माइनस आया एक्स प्लस वन माइनस वन,
आंसर कैसे मैच नहीं हो रहा है? ओ ये माइनस टू का सबके साथ में मल्टीप्लीकेशन है, तो माइनस टू को जब मैं ओपन किया तो ये वाले पोर्शन के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाले पोर्शन के साथ भी हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर टू आएगा, तभी आंसर नहीं आ रहा था, प्लस टू। ठीक है, तो टू, तो टू अपान हो जाएगा, करेक्ट कर लेना इसको, ये टू अपान हो जाएगा। तभी आंसर नहीं आ रहा था, ये माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वन वाले पोर्शन के साथ भी होगा और माइनस वन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और टू, क्योंकि आंसर में टू अपान एक्स प्लस वन आया है। ठीक है, टू अपान एक्स प्लस वन। अच्छा, यहाँ पर जब प्लस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन करोगे, ऊपर ले जाके माइनस करोगे तो ये वाला फिर माइनस होगा, पहले मैं उसके हिसाब से लिख दिया था, ये माइनस होगा। ओके, क्योंकि वन अपान टी यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। क्या ध्यान नहीं दिया उसको मैं, यहाँ पर माइनस होगा, टी का पावर ऊपर जाके माइनस, तो प्लस जो है माइनस हो जाएगा। ओके, ये फाइनल आंसर होगा, थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान देना, क्लियर? तो यह है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का सॉल्यूशन। इस तरह के जो मिस्टेक हो जाते हैं उसको केयर करने के, मैं समझाने के चक्कर में ध्यान नहीं दिया। ओके, चलें। जब ये ऑफलाइन क्लास रहता है तो स्टूडेंट तुरंत, यही ऑफलाइन ऑनलाइन में दिक्कत होता है, ऑफलाइन क्लास रहता है तो कोई ना कोई तुरंत बोलता है सर माइनस टू मल्टीप्लाई नहीं किए आप, है ना। यहाँ पर आप पढ़ते समय बहुत लोग, आप लोग वॉइस भी किए होंगे कि सर माइनस टू के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके पास कुछ है नहीं, है ना। ठीक है, लाइव क्लास में भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, कभी कभी हम लोग ध्यान में समझाने के चक्कर में हट जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी लेके आया है आपके क्रिएटिविटी को बूस्टअप करने के लिए। कभी कभी हम एकेडमिक से बाहर हमारी जो क्रिएटिविटी होती है उसको हमको बूस्टअप करने की आवश्यकता होती है, और हम लेके आए हैं आपके लिए क्रिएटिव कॉर्नर्स 2021। यहाँ अनअकैडमी के एजुकेटर्स आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। ये हमारे एजुकेटर्स हैं और ये हमारे फॉर्म हैं गेम ट्रिक्स आपको सिखाया जाएगा, मैजिक, आपके अंदर कोई मैजिक एक्टिविटी है वो आपको सिखाया जाएगा, डूडलिंग पोएट्री के लिए, कोडिंग के लिए, एक्सेल के लिए और रोबोट मेकिंग के लिए, साथ ही ऐप क्रिएशन के लिए। आप इसमें से किसी भी पैटर्न पर आप जाके अपनी क्रिएटिविटी को और बूस्टअप कर सकते हैं, और ये हमारा होने वाला है फ्री सेशन 31 जनवरी को 9 AM। तो आप इसमें पार्टिसिपेट करिए और अपने एकेडमिक नॉलेज से ऊपर आपके अंदर की जो नेचुरल क्रिएटिविटी है उसको इम्प्रूव करिए, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ओके, थैंक यू। ये क्वेश्चन एक और बहुत अच्छे पैटर्न का क्वेश्चन इसमें ले रहा हूँ, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस पर, इसके बाद आप लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छे से सीख जाओगे, इसके बाद और अलग टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें नहीं मिलेगा। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन, इसी तरह का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन, अभी जो बताया वैसा ही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, अभी बताया वैसी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको आप देख लो, थोड़ा करना क्या आप समझ गए, यहाँ तो नीचे ओपन भी नहीं करना, यहाँ पर इसका पावर टू, यहाँ पर इसका पावर टू है, सेम पावर है, डिवाइड करना है नेचुरली, तो चलो रफ में पहले डिवाइड कर लें अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये होगा वन, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, माइनस प्लस माइनस ये कैंसल आउट हो गया, ये हो गया फाइव एक्स और प्लस माइनस फाइव, माइनस सिक्स प्लस वन, तो ये हम यहीं से लिख देते हैं माइनस फाइव, माइनस फाइव, क्लियर? अब डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा आई इक्वल वन और प्लस वन प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब बोरिंग है, वही वही काम है, वही इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं बाकी, आप जान चुके हैं, मैं मिटा देता हूँ।
अब करना क्या है, दोनों को अलग अलग आपको इंटीग्रेशन करना है, दैट इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ये डी एक्स प्लस यहाँ से 5 को मैं कॉमन कर लिया, 5 कॉमन करने से हो गया x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डी एक्स। ये अब इसके आगे यहाँ पर मैं आपको बार बार एक चीज़ याद दिला रहा हूँ कि इसके बाद आप प्रीवियस पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं बताया पी एक्स प्लस क्यू वाला, तो यहाँ पर मैं छोड़ भी दूँ तो आपको कर लेना चाहिए, एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर क्वेश्चन आपने बहुत सारा कर लिया, पीछे पैटर्न में यही तो था ना। लेकिन यहाँ पर मैं दूसरे मेथड को अप्लाई करके बना रहा हूँ, एक तो पीछे का पैटर्न वाला, यहाँ पर फैक्टराइज करके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को यदि हम फैक्टराइज करके होल स्क्वायर बनाएं, ठीक है, तो क्या हो सकता है, देखो ये अलग अलग डिवाइड करें x अपन और माइनस 1 अपन, क्या इजी रहता है देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, यही होगा ना, यही होगा, x कॉमन करेंगे x माइनस 3x फैक्टर होगा, माइनस 2 कॉमन करेंगे x माइनस 3, तो ये x माइनस 2 और x माइनस 3 दो फैक्टर होगा, तो यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 करके x एक फैक्टर को आप इसको कैंसिल आउट करा सकते हो, x माइनस 2 लिख दो और दूसरा को x लिख दो, ठीक है, होल स्क्वायर तो बन नहीं रहा है ये, तो जिस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है, आप अपने प्रीवियस मेथड से भी कर सकते हो। आंसर क्या देता है, किस फॉर्म में देता है, किस मेथड से करूं मैं सोच रहा हूं, पहले वाला मेथड सही रहेगा कि इस मेथड सही रहेगा, चलो मैं प्रीवियस मेथड से करता हूं। और यहां पर मैं आपको, मैं जो शॉर्टकट बताया था उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं, आप लोग ऐसा मत करना, डिटेल कर लेना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 5 क्या बताया था, इसका डिफरेंशिएशन कर ऊपर लिख दो बोला था, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x और माइनस इसका हो जाएगा 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डी एक्स, तो 2x माइनस 5 लिख दिया, तो अब इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, इसका एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर चाहिए x, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2x, तो बाहर कर देंगे 1 अपॉन 2 कर देंगे तो x आ जाएगा और माइनस 1, लेकिन आ रहा है माइनस फाइव बाई टू आ रहा है, तो इसमें मैं क्या ऐड करूं कि वो माइनस 1 आए, ऐसे सिखाया था ना, याद आ रहा है पिछला वीडियो देखा है आपने, इसका डिफ्रेंशिएट करके यहाँ रख दिया एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 5 है तो 0 हो गया, अब यहाँ मुझे x चाहिए तो बाहर 1/2 मल्टीप्लाई, तो x हो गया लेकिन माइनस 5/2 हो गया और चाहिए माइनस 1, तो क्या ऐड करूं, तो ये ऐड करूं तो x इक्वल टू माइनस 1, ये शॉर्टकट मेथड है, ये 2 एलसीएम आएगा माइनस 2 प्लस 5 दैट मीन्स 3/2, ठीक है, तो इसके साथ मुझे क्या ऐड कर देना चाहिए प्लस 3/2, ये है टेक्निक, ऐसा आप कर सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व करो, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो x माइनस 1 आएगा, ये ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, अब इसको हम दो पार्ट में लिख लेंगे, दैट इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस ये है 5 और ये 1/2, ठीक है, तो आएगा 5/2, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो गया 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में हो जाएगा 2x माइनस 5 और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डी एक्स, और प्लस सेकंड पार्ट में आएगा 3/2 डी एक्स, कई क्वेश्चन आ गए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कितने प्रकार का इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया, देखो इसीलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आया है, सबसे पहले यहाँ पर लॉन्ग डिवीज़न मेथड आप यहाँ अप्लाई किए, लॉन्ग डिवीज़न मेथड में आने के बाद यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो स्पेशल पैटर्न, माने कौन सा, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला अप्लाई कर रहे हो, इसके बाद फिर ये दो पार्ट में, मतलब पूरा जितना कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है सब इसमें आ गया, इसीलिए इस तरह के एग्जांपल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, और ये लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा, 5 मार्क्स 6 मार्क्स तक आ सकता है क्वेश्चन, 5 मार्क्स तक का, क्योंकि इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, तो क्वेश्चन अच्छा है, एक ही क्वेश्चन से बहुत से प्रैक्टिस आपके हो जाएंगे।
अब यहाँ पर देखो, अब इसको मैं आपको इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, आप इसको कर लेना, मैं आंसर लिख दूंगा बस। ये इंटीग्रेशन पता है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, ऐसा एडजस्ट किए हैं, और ये वाला स्टार्टिंग का पैटर्न है, ये नीचे वाला होल स्क्वायर बनाने वाला, ठीक है। तो होल स्क्वायर बना के आप इसको कर लेंगे, तो आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो, ये इसका x हो गया प्लस ये हो गया 5/2 log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसका जब आप सॉल्व करोगे, अच्छा 5/2 लिखा हूँ ना, और ये प्लस 3/2, और ये क्या आएगा आप कर लेना, मैं बुक से आपको फाइनल आंसर बताता हूँ ताकि आप चेक करो तो आपको दिक्कत ना हो। एक्स अपॉन 2 लाख एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी प्लस 15/2, आंसर बुक में गलत दिया है लगता है, बुक में ये वाला आंसर को नहीं दिया, वो वाला आंसर कैसे गायब हो जाएगा। फिफ्टीन अपॉइंट टू लॉग एक्स आएगा सेकंड वाला पार्ट, ये 15/2 सॉल्व करोगे तो आप लोग कर लेना इसको ना, वही वही काम कितना करूं मैं, 15/2 लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी, ये आंसर होगा, क्लियर, ये फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ तक मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, ये इंटीग्रेशन कर दिया, इसको कर दिया, ये वाला इंटीग्रेशन आप कर लेना, ये पहले वाले पैटर्न से पीछे वाले से, तो ये वाला पार्ट उसका आएगा, ये फाइनल आंसर होगा, ओके। अब वही वही काम क्या करें, आप भी चाहो तो इसके बाद इसको छोड़ सकते हो, बोरिंग हो जाता है धीरे धीरे, वही वही काम मेरे को भी बेकार लगता है, आपके लिए भी क्या, ये तो यही क्वेश्चन को किए, मुझे याद है आप यही क्वेश्चन किए हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 उसी क्वेश्चन को फिर इंटीग्रेट करना है, ये आंसर आएगा, ओके। इस तरह के पैटर्न को आगे चल के हम एक और तरीके से करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन को, लेकिन क्या है इंटीग्रेशन में मेथड बहुत हैं, अभी जैसे आप इसको किस मेथड से करोगे, इसको होल स्क्वायर करके करोगे, लेकिन आगे चल के इसी को मैं फिर आपको पढ़ाऊंगा बाय पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब आंशिक भिन्न में तोड़ के, तो आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आंसर आएगा, तो फाइनली वही आंसर आता है, क्लियर। तो ये आप कर लेना जिस तरीके से भी हो, बाद में उसको और अलग तरीके से अपने को सीखेंगे, ओके। तो ये मैं आज आप लोग को पढ़ाया पार्शियल लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका रिवीजन ये है कि सबसे पहले आपको देखना है और न्यूमरेटर में इसका पावर डिनोमिनेटर के बराबर हो या ज़्यादा हो तो तुरंत डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद उसको इंटीग्रेशन कर दो जैसे पहले मेथड से आप करते थे, तो आसान है। और इसके बाद का मेरा पैटर्न बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, डिफिकल्ट तो नहीं कहना चाहिए लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, जिसमें हर साल क्वेश्चन लगभग कवर होता है और वो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है, ओके, थैंक यू।